अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। मेरे प्यार नाजरीन, बहराइच में सरफराज और तालिब के साथ जो हुआ, उनका इनकाउंटर हुआ, पैरों में गोली लगी, फिर पुलिस उन्हें पकड़ करके ले जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट करा रही है, ये तमाम चीज़ें आपने देखी। दो मुस्लिम बच्चों का इनकाउंटर हुआ, लेकिन इस इनकाउंटर के हवाले से बहुत मुखालफत पैदा हो गई है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस इनकाउंटर की, जो बहराइच में हुआ सरफराज तालिब के साथ, बहुत बड़ा बयान दे डाला है उन्होंने और आज उनका ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उनका ये बयान ज़रूर सुने ताकि आपको पता चले हकीकत। अरे अगर माफिया है तो कहाँ कहाँ नहीं है माफिया का, सबसे उस तरह का सलूक किया जाएगा। अगर है तो इस्तेमाल करो कानून को, मगर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, तो गोडसे को पकड़ा गया और गोडसे पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद कोर्ट से उसको फांसी की सजा दी गई। इसको बोलते कानून की कामयाबी। गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता इस देश में, गांधी से बड़ा बाबा साहब अंबेडकर थे, मगर गांधी को मारने वाले को हमने कोर्ट में केस चलाया, राजीव गांधी को बम छोड़ाने वालों को केस चलाया, जेल में रखा चेन्नई में, इंदिरा गांधी को मारने वालों को हमने केस चलाया और जेल में रखा और सजा दी। ये कानून की कामयाबी है, ये गुंडों की कामयाबी नहीं थी जी। और आप देख लो, पाकिस्तान से अजमल कसब आया, बंबई की मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेल रहा था, उसको जिंदा पकड़ने में हमारा एक बहादुर पुलिस का सिपाही शहीद हो गया। हमने अजमल कसब पर मुकदमा चलाया, कोर्ट ने सजा दी, उसको फांसी पर चढ़ाया, तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि इस आतंकवादी को अपने कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं देंगे, तो जेल के किसी कोने में ले जाकर उसको दफन कर दिया गया। ये कानून की कामयाबी है जी जी। हम क्या कह रहे हैं कि कानून की कामयाबी हो, गोली की कामयाबी ना हो। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो कानून के मुताबिक चलेगा। सजा देगी तो गोली नहीं कोर्ट सजा देगी जी। अगर गोली से सजा दी जाएगी तो फिर बताओ इस देश में संविधान का क्या होगा। अगर गोली से खत्म करना है तो कोर्ट को ताले डाल दो, अगर गोली से खत्म करना है तो संविधान को फेंक दो उठाकर, इसकी जरूरत ही नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में एक खौफ का माहौल है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, बड़ा ही झूठ वो कहते हैं। 2017 से 2022 तक 35,000 फिरकेराना फसादात उत्तर प्रदेश में हुए, तो उत्तर प्रदेश में कहां चंगा है आप बताइए। हर साल, 5 साल में हर साल को ऐसा साल नहीं जाता जहां पर दलितों पर अत्याचार नहीं होता। 11,000 हर साल, माने 2017 से 21 तक हर साल 11,000-12,000 दलितों पर, उन पर अत्याचार के वाकयात होते हैं। ये कहां से फिगर आया, ये मोदी सरकार का एनसीआरबी का डेटा कहता है, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। वो कहते हैं कि माफिया खत्म हो चुका है। अरे अगर माफिया खत्म हो चुका है तो बताओ बीजेपी में जो जितने लोग हैं उन पर जो मुकदमे हैं, उन पर जो क्रिमिनल केस है, उनका आप क्या करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम एक डर और खौफ के माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुरादाबाद में रमजान के दौरान किसी ने अपने गोडाउन में तरावी की नमाज का इंतजाम किया गया तो वहां पर जाकर छापा मारा जाता है। अभी हम मगरिब की नमाज एक नमाज मस्जिद में पढ़ रहे थे, हमको बताया गया कि मस्जिद के ऊपर छत डाला जा रहा था तो छत का काम रुका दिया गया है। बताओ फिर ये आखिर एक तरफा तमाशा क्यों होता है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में तारीखी तौर पर झोली भर भर कर आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं कुंदरकी के जलसे में जब मेरे हाफिज वारिस के लिए आपसे वोट की अपील कर रहा था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा था, पुकार पुकार कर कहा
कि यकीन करो मेरी बात का कि ये समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, मगर आपने कुछ और फैसला लिया, हम आपके फैसले की इज्जत करते हैं। मगर बताओ, इतनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया तब भी बीजेपी कामयाब हो गई, और जब कामयाब हो गई तो समाजवादी का कोई नेता आता नहीं है, समाजवादी के कोई नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलत को गलत बोल सके, जुल्म को जुल्म बोल सके और मजलूमों का साथ दे सके। आज यही वजह है कि आपने वोट तो दे दिया उनको, किसी को आपने अपना विधायक बना लिया मगर उनकी जबान नहीं खुलती, विधानसभा में जाते हैं और गूंगे और अंधे बनकर बैठते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती वहां पर, उनसे ये नहीं पूछा जाता, सरकार की आंख में आंख डाल कर नहीं पूछते कि बताओ स्कूल क्यों नहीं खोले जाते, बताओ यहां पर तरक्की का काम क्यों नहीं होता, बताओ आखिर कौन से कानून के तहत आप मनमानी करते हैं और किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देते हैं। आप यही चीजें हैं, जब तक आप अपने वोट से अपने नेता को नहीं पैदा करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो मुझे माफ कर देना, मगर सच्चाई ये है, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप अपनी देखिए आपकी आपका क्या मुकाम है। एक मिसाल देकर अपनी बात को खत्म कर देता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश को आते हैं, अखिलेश यादव से मिलते और कहते हैं कि 2024 के पार्लियामानी चुनाव में हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, मगर आपको बताऊं बिहार में इन लोगों ने एक ऐसे आदमी को जेल से रिहा किया जो कलेक्टर था, दलित परिवार से था, उसका नाम कृष्णया था, और यही उस वक्त का एक आलाजात का एमएलए, उसने एक माफ के जरिए उस दलित कलेक्टर की हत्या कर दी, कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कानून को बदल कर उसको जेल से रिहा करवा दिया, उसको जेल से रिहा करवा दिया। और सबसे पहले अगर उस दलित आईएएस ऑफिसर डीएम की हत्या की उसकी बेवा के साथ अगर कोई खड़े होकर उसकी तकलीफ को उसकी पीड़ा को समझ कर किसी ने यह कहा कि गलत फैसला लिया गया, तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने उसको गलत कहा। मगर मैं गलत इसलिए कहा कि अगर किसी से भी नाइंसाफी होगी तो गलत होगा, मगर सोचो थोड़ी देर के लिए क्यों उसको छोड़ा गया, क्योंकि वो जिस समाज से आता है वो समाज पूरा उसके साथ है, और इनको 2024 में बिहार में समाज की वोट की जरूरत है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो को जिन्होंने रेप किया, हामिला थी बिल्किस बानो, उसका रेप हुआ, उसकी मासूम बच्ची को उसकी आंखों के सामने उसका कत्ल किया गया, बिल्किस बानो के रिश्तेदार महिलाओं का रेप हुआ और उनका कत्ल हुआ, उसके कातिलों को गुजरात की बीजेपी की सरकार छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि छोड़ने वालों की ताकत थी, वो कातिल थे, मुजरिम थे, मगर छोड़ा इसलिए क्योंकि उनके पास सियासी ताकत थी। अब थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम में वो ताकत है? क्या तुम में वो ताकत है? बताओ, तुम में वो ताकत नहीं है? तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है? तुम्हारे उस उजड़े हुए घरों की जो बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है उसकी कीमत नहीं है? तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता है, लगने दो, मुझे इन इल्जाम की परवाह नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह फैसला करेगा, और जो लोग इल्जाम लगा रहे उनको अल्लाह के दरबार में उसको साबित करना पड़ेगा। मगर सुनो मेरी इस बात को, मैं सुनो मेरी इस बात को, मैं तुम्हारा ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको जज्बात में लाकर थालियां हासिल करो, मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारा इतिहास चाहता हूं, मैं तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत बनते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी आंख अल्लाह बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश में आप एक सियासी ताकत बने। अरे अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे जिंदगी भर? क्या आप बीजेपी योगी और मोदी से डर कर किसी का साथ देंगे?
सोचो बिलकिस बानों के कातिलों, बिलकिस बानों के असमत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया, एक दलित आईएएस ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया। आपने ओवैसी साहब का बयान सुन लिया, सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर कोई जुर्म करता है, कोई गलती करता है, तो उसके लिए अदालत है, कोर्ट है, कोर्ट के ज़रिए उसको सज़ा दिलवाई जाए, जैसा कि बहुत सारे मुजरिमीन को सज़ा मिली। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।